हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशु। आप देख रहे हैं आशु टेक वर्क। आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर मैंने अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर SBI कैशबैक कार्ड की अनबॉक्सिंग की थी, जो कि काफ़ी तगड़ा क्रेडिट कार्ड है, जो कि फ्रेंड्स मैंने अमेजोन की सेल के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे पास अच्छी लिमिट का क्रेडिट कार्ड नहीं है। SBI का एक सिंपली क्रेडिट कार्ड भी है, जो कि उसकी लिमिट 25,000 ही है, जो कि मुझे बहुत कम लगती है। तो मैंने एक SBI के कार्ड अप्लाई करना था और एक अच्छी लिमिट का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना था, जो कि मुझे SBI का कैशबैक कार्ड के बारे में पता चला। तो मैंने इंस्टेंट इसको अप्लाई किया और मुझे काफ़ी जल्दी डिलीवर भी हो गया और मिल भी गया। और मुझे उस वीडियो के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट मिलेगी, आपको ये कैसे मिला, कम मिला, वीडियो KYC के बाद के अंदर आपको कितने कॉल्स आए, कार्ड के ऊपर आपको लिमिट कितनी मिली है, और अमेजोन या फ्लिपकार्ट ऑनलाइन स्पेंड करने के ऊपर आपको 10% का कैशबैक देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और 10% के अलावा 5% का कैशबैक भी मिलता है, जो कि मैं अभी सेल के दौरान ही आपको ये चीज़ बता पाऊंगा, अपडेट कर दूंगा। और कितना सिविल स्कोर चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, और मुझे क्या क्या चीज़ फॉलो करनी पड़ी। जैसे कि फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए थे, वो सभी के सभी आपको डिटेल्स के अंदर मैं शेयर करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिए, वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर ले। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां पर जाके इसकी अनपैक वीडियो देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको एक काफ़ी तगड़े बेनिफिट के साथ के अंदर कार्ड देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। आप ऑनलाइन कहीं भी स्पेंड करोगे, जोमाटो या फ्लिपकार्ट या अमेजोन या मिंत्रा कहीं भी स्पेंड करोगे तो आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। बाकी आप ऑफलाइन में स्पेंड करोगे तो आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिक बिल्स, ऑल सारे बिल्स आप पे करोगे तो आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। LIC के ऊपर आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा, 5% का कैशबैक नहीं देखने को मिलेगा। बाकी फ्रेंड्स, कार्ड के कैशबैक की बात करूँ तो आपको एवरी मंथ कार्ड के स्टेटमेंट के अंदर आपको शो हो जाएगा। बाकी इसके ऊपर आपको 4 एयरपोर्ट लॉन्चर सर्विस देखने को मिलती है, आप क्वार्टरली एक बार जा सकते हो। और कार्ड के ऊपर कोई जॉइनिंग फीस नहीं है, आपको एनुअल फीस देनी पड़ेगी 999 प्लस GST। बाकी आप इसके ऊपर 2,00,000 रुपये स्पेंड कर देते हो, आपको बिल्कुल ये कार्ड फ्री मिलता है। ऑलमोस्ट सभी के 2,00,000 रुपये स्पेंड हो जाते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट ये कार्ड फ्री देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, कार्ड के अंदर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज भी देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट सभी कार्ड के अंदर देखने को मिलता है। बाकी मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड लगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई मर्चेंट फिक्स नहीं मिलता, आप कहीं भी स्पेंड करोगे ऑनलाइन तो आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको 5% के ऊपर आपको कैपिंग भी लगाई, जो कि 10,000 की है, जो कि एवरी मंथ आप इसके ऊपर 10,000 का कैशबैक अर्न कर सकते हो, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, आपको इससे कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप इसको क्रॉस भी कर देते हो, आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी तगड़ा बेनिफिट है, तो आप बिल्कुल इसे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं मैंने कैसे अप्लाई किया था और मुझे ये कब तक देखने को मिला था। तो सारे के सारे में 1x1 स्टेप आपको मैं सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मेरे को ये कार्ड कैसे मिला और मैंने कैसे अप्लाई किया था और मुझे क्या क्या चीज़ फॉलो करनी पड़ी थी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अप्लाई किया था 8 सितंबर को। बाकी मैंने एक 7 सितंबर को भी अप्लाई किया था, जो कि मेरा पर्सनल किया था, जो कि अभी तक मुझे कोई मैसेज देखने को नहीं मिला, अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ, डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको अभी के लिए छोड़ो। बाकी मेरे इस कार्ड की बात करता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ फॉलो करनी पड़ी, तो वो सब मैं आपको 1x1 बता देता हूँ। बाकी फ्रेंड्स, मैंने इसे ऑनलाइन अप्लाई किया था, जो कि SBI यूनो ऐप से नहीं किया था, मैंने SBI की मेन साइट के ऊपर जाके इसको अप्लाई किया था। बाकी आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद में मेरे को एक कॉल आया था, जो कि KYC से रिलेटेड आया था, और उसने मुझे ये बोला था कि आपके KYC करनी है तो मैं आपके घर पे विजिट कर लेता हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप आ जाइए, आप कर लीजिए विजिट। तो उसने मुझे बोला कि आपने ऑनलाइन जब अप्लाई किया था तो आपने फ़ोटो अपलोड की थी। तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने बिल्कुल की थी, मेरी मदर की फ़ोटो गैलरी के अंदर जाकर अपलोड कर दी थी। तो उसने बोला कि आपको मैं एक लिंक शेयर करता हूँ, आप उस पर जाकर आधार कार्ड की डिटेल फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने उसे सबमिट करने के बाद के अंदर वहीं से ही एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिला होगा आपको भी, तो मेरे को मिला था, तो मैंने वहीं से डाउनलोड कर लिया था। और उसके बाद के अंदर मुझे कोई फाइनल कॉल नहीं मिला, ना कोई कॉल्स आया मेरे को वेरिफिकेशन के लिए। और फ्रेंड्स, 2 से 3 दिन बाद के अंदर, मतलब 11 सितंबर को मुझे मेरे कार्ड अप्रूवल का मैसेज मिल गया था, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो। और उसके नेक्स्ट डे, मतलब 12 सितंबर को मुझे डिस्पैच का मैसेज देखने को मिल गया था। और 2 दिन बाद के अंदर डिलीवर हो गया था, मतलब 14 सितंबर को मुझे कार्ड डिलीवर हो गया था। और उसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, जो कि फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके उसको आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे कार्ड काफ़ी इजीली मिल गया था, जो कि फ्रेंड्स मुझे भी नहीं पता कि कोई कॉल्स क्यों नहीं आया वेरिफिकेशन के लिए, फाइनल कॉल भी नहीं आया। तो यहाँ पे थोड़ा मैं लकी हूँ कि मुझे बिना कोई कॉल्स के ही कार्ड देखने को मिल गया था। बाकी मेरा पर्सनली मैंने अप्लाई किया था, जो मुझे अभी तक कार्ड नहीं मिला, ना अप्रूवल का कोई मैसेज आया, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ें कर दी, जैसे वीडियो कॉल के बाद के अंदर फाइनल कॉल भी आया था मुझे, तो सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद भी मुझे अभी तक कोई अपडेट नहीं है, तो बाकी मैं भी वेट कर रहा हूँ 2 से 3 दिन का कि शायद अप्रूवल का मैसेज आए और कार्ड मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप भी 2 से 4 दिन वेट कर सकते हो, आपको शायद क्रेडिट कार्ड जल्दी देखने को मिले, क्योंकि ऑनलाइन इसकी वीडियो कॉलिंग हुई थी तो शायद प्रोसेस उसका डिले
हो सकता है, क्योंकि पता नहीं ऑफलाइन का इतने जल्दी कैसे हुआ। अगर ऑफलाइन का आपको मिले तो आप बिल्कुल ऑफलाइन करना, शायद आपको जल्दी कार्ड देखने को मिले, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर मुझे लग रहा है कि शायद डिले हो रहा है, ऑफलाइन के अंदर आपको बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है। जो कि मैंने मेरी मदर का किया था तो बहुत ही जल्दी मुझे कार्ड अप्रूवल होकर डिलीवर भी हो चुका है। और फ्रेंड्स, मैंने इसे अमेजोन के ऊपर एक प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई भी किया था, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो 10% का कैशबैक बिल्कुल मिल रहा है 1199 रुपये का। बाकी 5% का कैशबैक आपको आपके मंथ के स्टेटमेंट के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी तगड़ा क्रेडिट कार्ड है, आपको 15% का कैशबैक देखने को मिलेगा। अगर आप अमेजोन की सेल के अंदर आप परचेज करते हो कोई भी प्रोडक्ट या मोबाइल, तो आपको 15% का कैशबैक देखने को मिलेगा, जो काफ़ी तगड़ा बेनिफिट इस कार्ड का। और फ्रेंड्स, आपका अगर 750 या 740 के आसपास सिबिल स्कोर है तो आप बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप इसको अप्लाई करते वक्त आपको अगर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिले तो आप बिल्कुल फोटो अपलोड कर देना। बाकी आपको सबमिट करने के बाद के अंदर आपको वीडियो KYC या KYC के लिए कॉल आएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी अगर फोटो सबमिट है तो आपको एक आधार कार्ड की लिंक सेंड की जाएगी, तो उसके अंदर आप अगर आधार कार्ड डाल देते हो और सबमिट कर देते हो तो और उसके बाद के अंदर आपके कार्ड अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि आप अगर ऑफलाइन करोगे तो आपका कार्ड जल्दी अप्रूवल होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी यही थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को देना लाइक, चैनल को आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।